हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्युद एकेडमी में। अव्युद एकेडमी एक करियर कंसल्टेंसी होने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो आइए, गवर्नमेंट जॉब जो सीरीज हमने स्टार्ट की है गवर्नमेंट जॉब की, उसमें आज मैं एक और जॉब ऐड करने वाली हूँ जो कि स्टेट लेवल पे है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे वेल रिसर्च करके आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाती है गवर्नमेंट जॉब के। तो आज मैं बात कर रही हूँ असम PSU रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि जॉब है जो इंजीनियर्स की है और जो पोस्ट है 463 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और जो पोस्ट है, अब मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगी, जो पोस्ट निकाली गई है वो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की निकाली गई है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जॉब्स निकाली गई हैं। तो जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो सिविल की जॉब निकाली गई है, उसमें जो वैकेंसीज हैं वो 307 है, और साथ ही जो पे स्किल है वो मिनिमम 14,000 और मैक्सिमम जो है 49,000 है। और साथ ही PB2 पे जो ग्रेड पे होगा वो 8,700 है। और असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे, तो सिविल पे जो पोस्ट निकाली गई है वो है 156, और साथ ही जो पे स्किल है वो 30,000 है मिनिमम, और मैक्सिमम 110,000 है। और 4 PB4 ग्रेड पे जो होगा वो 12,700 होगा। और यही मैं आगे एज लिमिट की बात करने वाली हूँ, तो 21 to 38 ईयर्स है, और जो 1 January 2019 से गिना जाएगा। और जो कि SC ST हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 ईयर्स का, और 3 साल का OBC और MOBC को मिल रहा है, और 10 ईयर्स का PWD को मिल रहा है। तो आइए अब मैं आगे बात करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो परमानेंट असम के होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास PRC इशूड असम का एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। तो आइए अब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर जो कि जिनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और पार्ट ए और बी से एसोसिएट मेंबर होने चाहिए, एग्जामिनेशन में उन्होंने क्लियर करा होना चाहिए। और आगे बात करने वाली जूनियर इंजीनियर की, तो 3 साल का यहाँ पे जो है टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और पास्ट होने चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब मैं आगे उसकी बात करती हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर उनको रिटर्न टेस्ट देना होगा, देन जो कैंडिडेट यहाँ पे आगे जाएंगे उनको वीवा वॉइस टेस्ट देना होगा। तो आइए एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे 250 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और OBCs के लिए 150 है, और साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं जिन पे BPL सर्टिफिकेट है उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे इशू नहीं की गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आप अप्लाई कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करेंगे वो आपके साथ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और जो लास्ट डेट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है वो 21 December 2019 है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप एप्लीकेशन पे जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के स्टेट लेवल पर और साथ ही ऑल इंडिया लेवल पर आपको पता चल सके।